हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पार्क एजुकॉर्प। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन भी बेस्ड है सिमिलैरिटी पे। इस पे एक सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो किन किन बेसिस पर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी में आगे चलते हैं, एक रिकॉल सेशन लेते हैं। अगर आप ये प्रूव कर दें कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के सिमिलर है, किन बेसिस पर? आप सिर्फ ये देखिए कि कोई दो एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हो, दैट मींस एंगल A अगर एंगल D के बराबर है, एंगल B अगर एंगल E के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमेशा इक्वल होगा। ये बात हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे। इसी पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम। एक साइंटिस्ट हुए थेल्स, उन्होंने ये थ्योरम दी। उन्होंने कहा कि किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, सपोज ट्रायंगल ABC में बेस BC के पैरेलल लाइन DE ड्रॉ की जाए, उस केस में पॉइंट D ट्रायंगल ABC को इस तरह से डिवाइड करेगा, अगर ऊपर वाला पार्ट M और ये कंप्लीट लेंथ N है। तो थेल्स ने ये कहा कि जिस रेशो में ऊपर वाला पार्ट और कंप्लीट लेंथ डिवाइड हुई है, दूसरी साइड भी उसी रेशो में डिवाइड होगी। दैट मींस ऊपर वाला पार्ट M होगा और कंप्लीट लेंथ N होगी। इसके अलावा ये पैरेलल लाइन इस BC के M रेशो N ही बनाएगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट सेशन में। इसी पर बेस्ड आज के क्वेश्चन है बच्चों। कुछ नई प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहले इन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर लाइन AQ इज 4√2 cm, QC 6√2 cm, AB 20 cm। इफ PQ इज पैरेलल टू BC देन द वैल्यू ऑफ PB। जैसे इसने कहा लाइन PQ पैरेलल है BC के। प्यारे बच्चों, थेल्स थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कि लाइन को किसी एक साइड के पैरेलल होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्योंकि PQ और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट मींस यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। बेटा, इसने कहा है लाइन AQ की जो लेंथ है वो 4√2 cm है, लाइन QC की लेंथ 6√2 cm है। तो जिस रेशो में, लास्ट सेशन में भी ये आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस रेशो में AQ और QC होगा, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग उसी रेशो में AP और PB भी रहेगा। उसने दिया है AB की लेंथ आपको 20 cm दी है। तो अगर हम इसके रेशो की बात करें, रेशो में जब आएगा बेटा, रेशो में रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो क्या बनेगा? 2:3। क्या रेशो बनेगा? 2:3। तो ये जो लाइन 20 cm है, इसे भी हम 2:3 में स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। टोटल पार्ट कितने बने? 5। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ऊपर वाला पार्ट कितना बनेगा? 8 cm। नीचे वाला पार्ट कितना बनेगा? 12 cm। आपसे PB की लेंथ पूछी है, कितना होगा? 12 cm। हमें सिर्फ ये देखना है कि रेशो क्या है। हालांकि उसने इंटीजर वैल्यू में साथ में रूट लगा के ऐसे उसे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की है, बट डोंट वरी, आपको तो रेशो देखना है। जो रेशो इन दो पार्ट के बीच में होगा, वही रेशो दूसरी लाइन के पार्टीशन के बीच में भी होगा। देखा 2:3 है, तो 20 cm को 2:3 में डिवाइड कर दिया। आपसे PB की लेंथ पूछी, कितना हो गया? 12 cm। इज दैट क्लियर? चलिए, इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है। हैव ए लुक। इफ इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर ऑन साइड्स AB एंड AC सच दैट D इज पैरेलल टू BC, जैसी पैरेलल की बात आ रही है तो दिमाग में थेल्स थ्योरम आनी लाजमी है, आएगी। AD अपॉन BD 3:5, AC की लेंथ दी है। चलिए, आपके लिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रायंगल ए
बी सी, लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी सच दैट ए डी की लेंथ आपको दी है 3, बी डी की लेंथ आपको दी है 5, आपको दिया है ए सी कंप्लीट, ए सी कंप्लीट आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है ए की लेंथ। प्यारे बच्चों जब ये रेशो 3:5 है तो इस 4 सेंटीमीटर को भी 3:5 में डिवाइड करो, दैट मींस ये पार्ट 3 और ये पार्ट 5, तो टोटल कितने पार्ट बने 8, 8 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 0.5 दैट मींस हाफ आ गया। आपसे ए ई की वैल्यू पूछिए बेटा, एक पार्ट की वैल्यू हाफ है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सिमिलैरिटी और थेल्स थ्योरम को ध्यान में रखते हुए राइट एंगल ट्रायंगल से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बने हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है पॉइंट बी पर, बी से अपोजिट हाइपोटेन्यूज पे पॉइंट डी पर एक परपेंडिकुलर डाला गया। ए बी सी एंगल बी पर राइट एंगल है, बी से अपोजिट साइड पर पॉइंट डी पर परपेंडिकुलर डाला गया, लंब डाला गया। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर आपसे ए डी की लेंथ पूछी जाए, ए डी की लेंथ, डी सी की लेंथ, ए बी और बी सी, इनके बीच में जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा, अगर मैं कहूँ ए डी का पार्ट की बात करूँ ए डी और ये कंप्लीट लेंथ दैट मीन्स ए सी, बराबर होगा ए डी के जो नज़दीक वाला पार्ट है ए बी के स्क्वेयर के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी क्वेश्चंस बने। इसी तरह अगर हम डी सी नीचे वाले पार्ट की बात करें, डी सी इंटू कंप्लीट लेंथ ए सी बराबर होगा नीचे वाला पार्ट यानी डी सी के जो नज़दीक होगा उसके स्क्वेयर के, एक रिजल्ट ये रहा। और तीसरा रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट है, अगर बी डी से रिलेशन निकाला जाए साइड बी डी स्क्वेयर बराबर होगा जिन दो पार्ट में साइड ए सी बटी हुई है ए डी इंटू डी सी। तो ये 3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट है राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है, इनका स्नैपशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं ये रिजल्ट्स निकल के कहाँ से आए उसकी चर्चा कर लेते बेटा। जब बात राइट एंगल ट्रायंगल की हुई तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ट्रायंगल ए बी सी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पॉइंट डी पर, एक सेकेंड, बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी में पॉइंट बी से हाइपोटेन्यूज पर डी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो यहाँ आपको 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे, एक तो ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी, एक छोटे वाला ट्रायंगल एबीडी और दूसरे छोटे वाला ट्रायंगल बीसीडी, ये तीनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हो और कोई एक एंगल अगर बराबर दी जाए तो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अभी हम प्रूव करते हैं कि ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर कैसे होंगे और जो तीनों रिजल्ट निकल के आए वो यहीं से निकल के आए। अभी हम बात कर लेते ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट ट्रायंगल, एंगल बी पर ये 90 डिग्री है। तो जब बात कीजिए ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, लेकिन हमें करस्पॉन्डिंग एंगल देखने पड़ेंगे बेटा। एंगल ए
दोनों ट्रायंगल में ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल एंगल ए दोनों में कॉमन है। जब हम ए शुरू में लिख रहे हैं तो ट्रायंगल एबीसी में भी शुरू में आएगा। यहाँ डी पर 90 बन रहा है तो डी लास्ट में है, और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 बन रहा है बी पर तो हम बी को लास्ट में लेंगे। इसका जो थर्ड वर्टेक्स सी है वो बिल्कुल मिडल में होगा। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी के। करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल इसी तरह सीक्वेंस में आपको नोट करने हैं। अब जब आप ये प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशो आप ले सकते हो। दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा बी डी ये वाली साइड और ये वाली साइड अपॉन बी सी बराबर होगा ए डी अपॉन भाई ये दोनों जो टर्मिनल्स है वो ले लिए तो यहाँ भी टर्मिनल्स ले लीजिए ए बी। ओके आप क्या कीजिए फर्स्ट और लास्ट को उठा लीजिए। फर्स्ट और लास्ट को आप उठा ले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपको मिलेगा ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और यही हमारा पहला रिजल्ट था जो मैंने आपसे कहा था इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स ए बी का स्क्वेयर बराबर होगा इसके नज़दीक वाला पार्ट इंटू कम्प्लीट लेंथ, इसके नज़दीक वाला पार्ट ए डी इंटू कम्प्लीट लेंथ। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? तो पहला रिजल्ट तो निकल के आया यहाँ से। दूसरे रिजल्ट के लिए हम लेंगे नीचे वाला छोटा ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी। ओके ध्यान दो, बात हो रही है छोटे वाले ट्रायंगल बी डी सी और कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल, यहाँ भी करस्पॉन्डिंग एंगल का ध्यान रखना जरूरी है बेटा। जब मैं बी डी सी की बात कर रहा हूँ तो डी पर ये 90 डिग्री बन रहा है तो डी को हमने लास्ट में लिया और सी कॉमन है। पूरे ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो जब मैं छोटे वाले ट्रायंगल में लास्ट में ले रहा हूँ तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी लास्ट में रखेंगे। डी पॉइंट पर 90 बन रहा है तो उसमें मैंने मिडल में रखा, तो बड़े वाले का राइट एंगल बी पे बन रहा है तो उसे मिडल में रखेंगे, बचा क्या ए। यहाँ भी जब दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर चुके हैं तो साइड्स का रेशो आप ले सकते हैं। दैट मीन्स बी डी अपॉन ए बी, डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी, और बचे हुए दो टर्मिनल्स बी सी अपॉन ए सी। यहाँ अगर हम देखें तो आप ले लीजिए बी डी अपॉन ए बी, ठीक है, इस वाले पार्ट को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आप उधर ले जाइए, बी सी स्क्वेयर बन जाएगा ए सी इंटू डी सी। ये सेकंड रिजल्ट था हमारा। BC स्क्वेयर बराबर होगा इसके नज़दीक वाली लेंथ, इसके नज़दीक वाली लेंथ कौन सी है CD इंटू कंप्लीट पार्ट AC। तो सेकंड रिजल्ट निकल के आए यहाँ से, सिमिलरिटी पर ही ये बेस्ड है। इज दैट क्लियर? तीसरा रिजल्ट, तो यहाँ आपने ये प्रूव कर दिया कि छोटे वाले ट्रायंगल ऊपर वाला छोटे वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है और नीचे छोटे वाला ट्रायंगल भी ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल छोटे छोटे ट्रायंगल भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, किस तरह होंगे बेटा ध्यान देना। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए एंगल थीटा बोल दें तो ये वाला एंगल 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल जब 90 है ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा होगा या नहीं होगा। ये 90 ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो दो ट्रायंगल ए बी डी और बी सी डी में
थीटा ये रहा, थीटा रे रहा, 90 माइनस थीटा ये रहा, 90 माइनस थीटा ये रहा। दो एंगल जैसे ही बराबर होते हैं तो दो ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर प्रूव हो जाते, सिमिलर प्रूव हो जाते। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल। बेटा ए बी डी में हमने सबसे पहले 90 माइनस थीटा वाला वर्टेक्स लिया है, तो इसमें भी हमें 90 माइनस थीटा वाला वर्टेक्स ही चूज करना है। कितना है एंगल बी, दैट मीन्स बी शुरू में लेंगे। यहाँ पे बी के करस्पॉन्डिंग बी क्या है थीटा, तो यहाँ थीटा कहाँ पे, सी पे, तो सी बिल्कुल मिडल में ले लो। तो बी आ गया, सी आ गया, बचा कौन सा वर्टेक्स, डी। यहाँ पे आप साइड्स का रेशो आप ले सकते हो, ए बी अपॉन बी सी, बचे कौन सी, बी डी और सी डी, इन्हें ले लीजिए इनका रेशो, बी डी अपॉन सी डी बराबर होगा ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। तो लास्ट के दो पॉइंट्स को आप पकड़ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बी डी का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, सी डी इंटू ए डी। तो तीसरा रिजल्ट आपका ये था, जो कि क्वेश्चन जहाँ पर बनते हैं। दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर है बी डी का स्क्वायर बराबर होगा जिन दो पार्ट में हाइपोटन्यूज बटा हुआ है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसमें कोई शंका आपको नहीं, क्लियर है। चलिए तो तीनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए, तीनों यहाँ पे तीन ट्रायंगल बने हुए हमें मिले, तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये बात प्रूव की जा चुकी है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है बच्चों, अगर मैं देखूँ अभी थोड़ी देर पहले बताए ए बी स्क्वेयर किसके बराबर होगा, ऊपर वाला पार्ट इंटू कंप्लीट लेंथ, दैट मीन्स ए डी इंटू ए सी। इसी तरह से बी सी स्क्वेयर बराबर होगा नीचे वाला पार्ट सी डी इंटू कंप्लीट पार्ट ए सी। अगर हम इसे इक्वेशन वन और नीचे वाले को इक्वेशन टू कह दें, तो इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करने पर ए सी की वैल्यू कैंसिल होगी, तो यहाँ से आया ए बी स्क्वेयर अपॉन बी सी स्क्वेयर बराबर होगा ए डी इंटू सी डी के। यानी कि इन दोनों पार्टीशन का जो रेशो होगा ए बी और बी सी के स्क्वेयर के बराबर होगा। अगर आपको ए डी और सी डी की लेंथ दी है, उनका रेशो, उनके रेशो का अगर आप स्क्वेयर करेंगे तो आपको ए बी और बी सी मिल जाएगा, और अगर आपको ए बी और बी सी की लेंथ दी है उनके स्क्वेयर, उनका जैसे ही आप स्क्वेयर चढ़ाएंगे तो आपको ए डी और सी डी मिल जाएगा। यहाँ से रिजल्ट निकल सकता है, यहाँ से स्क्वेयर हटा के यहाँ पे स्क्वेयर रूट आप चढ़ा सकते हो, तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको ये भी मिलता है। आई होप कि यहाँ से जो चार के चार रिजल्ट निकले आपने स्नैप ले लिया होगा। चलिए बच्चों इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया इन इफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एंगल बी पर 90 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर एसी, इफ एडी 4 सेंटीमीटर सीडी 5 सेंटीमीटर देन बीडी की लेंथ आपसे पूछी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि वर्टेक्स बी पर राइट एंगल है, तो ए बी सी बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, लेंथ दी है आपको ए डी की लेंथ 4 सेंटीमीटर सी डी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, आपसे बी डी की लेंथ पूछी है। अभी रिजल्ट निकाला बी डी स्क्वेयर बराबर होता है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, दैट मीन्स 20 हो गया। तो बी डी की लेंथ क्या होगी बच्चों, 20 का रूट क्या होता है, रूट चढ़ाएंगे तो 2√5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, बिल्कुल। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे तो क्वेश्चन सेकंड के, और अगर आप वहां जाके भी डेरिवेशन करने लगेंगे तो फिर सेकंड्स में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ए पर 90 डिग्री है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी की लेंथ दी है, बीडी की लेंथ दी है और आपसे बीसी की लेंथ पूछ ली है। प्यारे बच्चों ट्रेंगल ए, अच्छा 90 डिग्री ए पर है, ए बी सी, बी ए सी 90 है, ए डी परपेंडिकुलर है पॉइंट डी पर, आपको दिया है ए डी दिया है 6, ए डी की लेंथ 6 दी है, बी डी की लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर, आपसे बी सी की लेंथ पूछी है।
बीसी की लेंथ, कंप्लीट बीसी की लेंथ आपसे पूछी है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले। तो यहाँ से आप जानते हैं 4 × x किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना बना 36, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, एक्स की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। में क्या करेंगे, जैसे ही 9 निकल के आया ऑप्शन में देखा सीधा टिक करना है बेटा, नहीं करना, एक्साइटमेंट अपनी जगह है, ठीक है आपका सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन होश जोश में होश नहीं खोना है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9, आपसे तो बीसी की लेंथ पूछिए, 9 ये 4 ये, तो रिजल्ट कितना होगा 13 सेंटीमीटर। एनी डाउट, क्लियर है ना, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया इन ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, एडी स्क्वायर दिया है बीडी इंटू डीसी, देन द मेजर ऑफ बीएसी एडी स्क्वायर, ये सिर्फ एक ही केस में बनता है बच्चों, अभी आपको बताया एडी स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि एडी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, इसे मैंने बी सी नाम दे दिया, इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर सिर्फ तभी होता है जब एंगल ए 90 डिग्री हो, ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री। CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा CPO 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सो हैव ए लुक और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, टेक योर टाइम। ओके, बोला गया ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90 डिग्री है, ए बी सी 90 डिग्री है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, CD is perpendicular to AB, आपसे बोला AD upon BD, AD upon BD दिया हुआ है, AC upon BC पूछा है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया AD upon BD, यानी कि इन दोनों पार्ट का जो रेशो होगा इन दोनों पार्ट के स्क्वायर के बराबर होगा, दैट मीन्स AB upon BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ये रिजल्ट हमने अभी ड्रॉ किया था, स्क्वायर अगर मैं यहाँ से हटाई तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो AB अपॉन BC की जो वैल्यू आएगी वो AD अपॉन BD के रूट के बराबर होगी, तो AD अपॉन BD तो आपको ऑलरेडी रूट के दिया है, इसका भी रूट करेंगे तो कितना 4 times रूट हो जाएगा, इज दैट क्लियर, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड है चीज़ें, अगर रिजल्ट्स अगर आपको टिप्स पर हैं, टिप्स पर याद है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी 8 सेंटीमीटर, डी बी 12 सेंटीमीटर, ए ई 6 सेंटीमीटर, ई सी 9 सेंटीमीटर, देन बी सी इज इक्वल टू, कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, यहां कोई पॉइंट डी है, यहां कोई पॉइंट ई है, कुछ इस तरह से हैं, AD की लेंथ आपको दी है 8 सेंटीमीटर, DB की लेंथ दी है आपको 12 सेंटीमीटर, AE की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर, EC की लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर, आपसे पूछ लिया और ठीक है इतना ही दिया है, तो BC किसके बराबर होगा, अब यहाँ पे
इसके अलावा कुछ नहीं दिया, ऐसा बोला नहीं गया। थेल्स थ्योरम याद करो, लास्ट सेशन में मैंने आपको थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्जेंस दोनों ही चीज़ें बताई थी। बोला था कि अगर लाइन पैरेलल है तो इनका रेशो बराबर होगा, और अगर रेशो बराबर है दैट मीन्स डी और ई को मिलाने वाली लाइन ये कन्वर्जेंस है। देखो अगर मैं यहाँ पर रेशो देखूँ तो कितना मल्टीपल है, डेढ़ गुना। कितना मल्टीपल है, डेढ़ गुना। यहाँ भी कितना मल्टीपल है, 1.5 टाइम्स है। जब यहाँ भी 1.5 टाइम्स है, यहाँ भी 1.5 टाइम्स है, दैट मीन्स लाइन डी ई पैरेलल होनी चाहिए साइड बी सी के। ये था कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, इज दैट क्लियर। तो आपसे पूछा गया बी सी और डी ई के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि आपसे बी सी पूछा है लेकिन किसके फॉर्म में पूछा है, डी ई के फॉर्म में पूछा है। बी सी की जो लेंथ है किसके फॉर्म में पूछी है, डी ई के फॉर्म में पूछी है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर हम पूरी लाइन की बात करें, पूरी लाइन की बात करें, जब ये 8 है ये 12 है, तो जो पूरी लाइन है पूरी की पूरी लेंथ कितनी होगी, 20। तो हमें रिलेशन देखना होता है डी ई और बी सी के बीच में, ये कितने टाइम्स है, 8 का 20 कितने गुना है, 2.5 टाइम्स है। 8 का कितना मल्टीपल है, 2.5 टाइम्स है। दैट मीन्स बी सी की लेंथ भी डी ई के 2.5 टाइम्स होगी। यहाँ से इसका जो रिलेशन होगा मल्टीपल होगा 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, यानी कि जो बी सी की लेंथ होगी वो डी ई का ढाई गुना होगी, डी ई का ढाई गुना होगी। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको, डी ई का ढाई गुना, ओनली सेकेंड ऑप्शन आपको दे रहा है, डी ई का ढाई गुना बी सी की लेंथ होगी। कोई डाउट इसमें, चलिए फिर आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। हैव ए लुक एंड रिप्लाई योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स, टेक योर टाइम। क्वेश्चन में बोला गया इन ट्रेंगल ए बी सी द हाइट सी डी इंटरसेक्ट्स ए बी एंड एट डी। चलिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी पी क्यू, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ट्रेंगल ए बी सी सी डी इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट डी, एक और ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए डी सी डी, थोड़ा फिजिबल होना चाहिए डायग्राम भी। ट्रेंगल ए बी सी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी आर पी एंड क्यू। सबसे पहले तो सी डी इसकी हाइट है, दैट मीन्स यहां पे ये 90 डिग्री बनेगा। ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है आपको पी और क्यू, तो पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के। ये दिया आपको 90 डिग्री, हाइट है आपको दिया, ए डी की जो लेंथ है वो दी है आपको 8 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ आपको दी है 6 सेंटीमीटर, आपसे पी क्यू की लेंथ पूछ ली है। मेरे बच्चों ट्रायंगल ए डी और सी को आप देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको दो साइड दी है तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटन्यूज। बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाई तो 3, 4, 5 का डबल कर दीजिए, 6, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 10। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये 10 है, क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी, दैट मीन्स पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कोई इशू?
कोई डाउट? नो डाउट। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन और लेते हैं आज के लिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा, ये भी सी पी ओ 2019 का क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी 90 डिग्री एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स। चलिए मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। वर्टेक्स सी पर 90 डिग्री है, तो ए बी सी, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। एम यहां पर है, एन यहां पर है, सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एट 90 डिग्री। बी सी की लेंथ दी है आपको 8 सेंटीमीटर, आपसे बी एन की लेंथ पूछी है। डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, सो टेक योर टाइम और मुझे अपना आंसर रिप्लाई करो कमेंट में। देखिए कितना अभी तक आपने सीखा है। ओके बच्चों ध्यान दो, देखो आप अभी एज्यूम करो ट्रायंगल, कंसीडर करो सी एन बी को, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, पॉइंट डी पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था अगर मैं सी डी की लेंथ निकालूं तो सी डी की लेंथ क्या होगी, इन दोनों अपोजिट जो साइड के जो पार्ट है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगी। आपसे पूछा क्या, बी एन की लंबाई आपसे पूछी है, आपको दिया क्या, बी सी की लंबाई दी है। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू अगर मैं कहूँ बी सी स्क्वेयर बराबर होगा, बी सी स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी तरफ वाला पार्ट दैट मीन्स बी डी इंटू कंप्लीट लेंथ बी एन। ठीक है भाई, बी सी की जो लेंथ होगी, बी सी का जो स्क्वेयर होगा ये बराबर होगा इसके नज़दीक वाले पार्ट इंटू कंप्लीट लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बात मैंने प्रूव की राइट एंगल ट्रायंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में। अगर हम कहें हमारे पास बी सी की तो लेंथ है और आपसे बी एन की लेंथ आपसे पूछी है, लेकिन बी डी की तो लेंथ हमारे पास है ही नहीं, तो बी डी की लेंथ नहीं है तो बी डी को एलिमिनेट करना होगा। प्यारे बच्चों जब M और N मिडल पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है, दैट मीन्स सी एम मीडियन है, इसी तरह बी एन भी मीडियन है। मीडियन है तो मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कहलाता है, क्या कहलाता है, किसे डिनोट करेंगे, वैसे तो हम डिनोट करते हैं G से, सेंट्रोइड कहलाता है, बट यहाँ जो पॉइंट D है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड ही कहलाएगा। और सेंट्रोइड का काम होता है 2:1 में इसे डिवाइड करना, यानी कि ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 1 है, तो जो BD की लेंथ है वो कंप्लीट BN के 2/3 होगी। तो BD की जगह हम 2/3 ऑफ BN लिख सकते हैं। BD की जो लेंथ है पूरी लेंथ के 2/3 है, तो बस हमने 2/3 लिख दिया, हो गया BN, BD एलिमिनेट हो गया। तो यहां से BN स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इधर लेके जाइए 3/2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। आपको BN की वैल्यू पूछी, BC की वैल्यू दी, BC की वैल्यू रख दीजिए, BC की वैल्यू रखेंगे जैसे ही आप स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो BN की वैल्यू आपको मिल गई √3 √2 और BC का स्क्वायर, यानी कि BC रूट हट गया, तो BC की जगह हम 8 की वैल्यू लिख देते, BC की जगह 8 लिखा, तो भाई √2 से कितने पे जाएगा ये 4√2, तो रिजल्ट क्या आएगा 4√6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बी रिजल्ट ओरिएंटेड। कोई डाउट इसमें, क्लियर है सारा? तो प्यारे बच्चों आज के जो भी क्वेश्चन थे वो सिमिलरिटी पर बेस्ड थे, सिमिलरिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस पर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी भी डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, आज की मुलाकात में इतना ही। लाइक कमेंट और शेयर, इन तीनों काम को नहीं भूलना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।